नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं आटे और गुड़ के मीठे चीले। ये राजस्थान की काफ़ी फेमस डिश है और ये बहुत टेस्टी होती है। इसे बनाना बिल्कुल इजी है, ये फटाफट से बन जाती है। यहाँ मैंने लिया है गुड़, जिसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लूँगी। गुड़ को मैंने अच्छे से कट कर लिया बिल्कुल। यहाँ मैंने गर्म पानी लिया है, बिल्कुल बॉयल किया हुआ गुड़ है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर हम इसको पिघलने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसको हम चेक करेंगे, अच्छे से मेल्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा सा इसे और गर्म कर लेंगे, फटाफट से मेल्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा एक कटोरी और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें लम्ब्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अभी हम इसमें आटा और डालेंगे, इसके कलर से ही पता लग रहा है कि ये काफ़ी मीठा है। अभी ये देखिए, इसमें मैंने आटा डाल के इसे अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें सादा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें लम्प्स हैं वो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, आप इसे अच्छे से मिलाएं। अब इसकी कंसिस्टेंसी है वो ठीक नहीं है, तो इसमें हम पानी थोड़ा सा और डालेंगे, इसे थोड़ा सा पतला करेंगे हम। इसको हम चेक करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी है वो इस टाइप से होनी चाहिए, एकदम आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई इलायची पाउडर। यहाँ पैन है वो मैंने गर्म होने के लिए रखा, जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें लगाएंगे घी। इसके बाद हम इस घी को टिश्यू पेपर से साफ कर देंगे। और जो हमने बैटर बनाया था वो हम थोड़ा थोड़ा कर इसमें डालेंगे ताकि ये शेप में बने अच्छे से। इसको हम गोल फैला लेंगे अच्छे से शेप देते हुए। और बैटर है, इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, जैसा मैंने दिखाया वीडियो में, उसी की वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा घी डालेंगे इन पे, वो देखिए बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल सूख चुका है, तो यहाँ तक इसे हमें पकाना है कि ये बिल्कुल सूख जाए अच्छे से। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, इसे हम धीरे धीरे करके हटाएंगे। ये देखिए, और इसे हम प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 3 मिनट में अच्छे से पक जाता है, 2 से 3 मिनट में। बिल्कुल पतले पतले मैंने बनाए हैं चीले, ये देखिए ये बिल्कुल बन गया है, अच्छे से पक गया है। इसी तरीके से हम दोबारा से बैटर इस पर डालेंगे। मैंने दोबारा इस पर घी नहीं डाला, बस एक बार ही स्टार्टिंग में मैंने डाला था। और इसे हम शेप देते हुए बिल्कुल गोल, इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा घी और वेट करेंगे। और ये सब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाया है, फ्लेम हमें लो ही रखनी है स्टार्टिंग से ही। ये देखिए नीचे से काफी अच्छे से पक गया है, बिल्कुल ब्राउन हो गया है। बस इस स्टेज पर हम फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे थोड़ी सी, बाकी फ्लेम हमें लो ही रखनी है स्टार्टिंग से। बिल्कुल पतले पतले चीले बनाए हैं, ये आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, टिफिन बॉक्स के लिए। इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल जल्दी से बन जाता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है। आपको कभी मीठा खाने का मन हो और जल्दी में हो तो आप इसे बनाकर ज़रूर खाएं, बहुत फटाफट से बनता है। इसे हम कढ़ी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।